लालनाथ हूँ और मैं लोक पंचायत ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मैं आया हूँ। गत 15 सालों से मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करता हूँ और अभी 3 सालों से मैं गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ा हूँ। ये जो लोक पंचायत ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली स्टार्ट वाटरशेड के काम से काम की शुरुआत हो गई। वाटरशेड का काम 7-8 गांव में 5000 हेक्टर में वाटरशेड का काम किया। वाटरशेड का काम करने के बाद वो नहीं आ रहा है या नहीं दिखा रहा है। ओके। वाटरशेड का काम हमने ख़त्म किया तो बाद में हमें पता चला कि जब पानी आता है तो फार्मर का पानी की तरफ देखने का जो कोई नज़र होती है वो बदल जाती है और वो क्रॉप बदलता है। लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है यह हमें पता चला और 2003 में हमने उस साल में अकाल पड़ा था तो फिर हमने एक संगम नहर और आकोले जो ब्लॉक है तो वही ब्लॉक में हम शेतकरी संवाद यात्रा हमने निकाली। 50 फार्मर के गट बनाया और हम पूरे 35 विलेज में घूमे तो हमें पता चला कि फार्मर जो है वो बेसिकली सीड के तरफ से सीड पर वो एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंड हो गए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर पर वो डिपेंड हो गए हैं, पेस्टिसाइड पर वो डिपेंड हो गए। ये सब मुद्दे जब हमारे ध्यान में आ गए तो हमने निश्चय किया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एरिया में हमें काम करना चाहिए तो उस एरिया में हमने काम शुरू किया। बेसिकली संगमनेर और अकोला ये जो दोनों ब्लॉक है तो संगमनेर ब्लॉक है यह पूरा बिल्कुल रेन शेडो एरिया का ब्लॉक है। दूसरा उनके नियरेस्ट ब्लॉक है अकोले ब्लॉक, वहाँ अच्छी बारिश होती है और वो ट्राइबल ब्लॉक है तो यह दो ब्लॉक में हमने काम शुरू किया। नेक्स्ट कम्युनिटी जो है हमारी काम की अलग अलग कम्युनिटी बेसिकली एकदम छोटे छोटे फार्मर के साथ काम किया है। रेनफेड एरिया में हमने काम किया है। जो यहाँ के फार्मर है वो सीजनल माइग्रेंट होते हैं क्योंकि 4 साल खरीफ ही उनका मुख्य सीजन रहता है। खरीफ के बाद तो वो काम के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे फार्मर है, अलग अलग कास्ट के फार्मर भी वहाँ है, ट्राइबल फार्मर है वहाँ। नेक्स्ट ये जो एरिया है वहाँ जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई तो वो प्रॉब्लम थे कि हिली एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, माइग्रेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, बायोमास का प्रमाण बहुत कम हो गया है, ऑर्गेनिक इनपुट भी कम होते जा रहा है और संगमनेर ब्लॉक है वहाँ कुछ जगह इरिगेशन की फैसिलिटी है लेकिन वहाँ भी लोग इरिगेशन का प्रमाण ज़्यादा यूज कर रहे, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहे। ये सब मुद्दे ध्यान में रखते हुए हमने अलग तरह का एक सोच हमारी काम की बनाई और नेक्स्ट कृषक पंचायत नाम का काम हमने शुरू किया। तो यह बेसिकली कृषक पंचायत ये फार्मर का फोरम है। एक 20 फार्मर इकट्ठे आते हैं, उसका एक ग्रुप बनता है जिसे हम कृषक पंचायत कहते हैं। ये जो कृषक पंचायत है ये कृषक पंचायत अपने खेत के बारे में काम करती है। हमारे पीक कैसे होने चाहिए, वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, उसका उत्पादन कैसा बढ़ाना चाहिए, वो केमिकल फ्री कैसी होनी चाहिए, उनका मार्केट कैसा करना चाहिए, ये सब बातें जो है वो बातें वो कृषक पंचायत के अंदर होती है और उस ग्रुप को हमने ये कृषक पंचायत का नाम दे दिया है। बेसिकली हमको भी पता है कि वुमन फार्मर का पार्टिसिपेशन फार्मिंग में ज़्यादा है लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं तब हम वुमन फार्मर को अलग करते हैं और खुद जेंट्स फार्मर डिसीजन लेते हैं। जैसे कि वुमन फार्मर खेत की सब काम करते हैं लेकिन जब हम ईल जो मिलता है वो हम सेल करने जब जाते हैं तो वो जेंट्स फार्मर जाता है, यानी कि फाइनली जो कैश पैसा जो आता है वो फैमिली के हेड जो रहते हैं जेंट्स उनके हाथ में आता है। तो हमने इस मुद्दे को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वुमन का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा कैसा आ जाएगा इस बारे में ध्यान दिया और कुछ ऐसे ग्रुप है हमारे जो स्पेसिफिक वुमन के ग्रुप है, वुमन कृषक पंचायत पे हमने फॉर्म किया है।
बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिसेस करना, उस पद्धति जो है उनको बढ़ावा देने का ये हमारा काम का मुख्य धारा थी, और उसके साथ ही लोकल सीड का कंजर्वेशन करना, उसको बढ़ाना, ये भी काम हमने शुरू किया। मैंने पहले बोला कि 2003 में जो हमने शेतकरी संवाद यात्रा निकाली तो 35 विलेज में जब हम गए तब हम फार्मर के साथ जब बात करते थे तो फार्मर तो बोलते थे कि हमारे पास अभी सीड तो बचा हुआ नहीं है, और हम इंडिविजुअल कुछ फार्मर को मिले तो थोड़ा थोड़ा जो बीज हमें मिला तो उस बीज को हमने कलेक्ट किया। आज तक करीबन 122 टाइप्स की वैरायटी को हमने कलेक्ट किया है कुल मिलाकर, उसमें ग्रेन क्रॉप है, लेगम क्रॉप है, मिलेट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, ऐसे अलग अलग क्रॉप की तब्बल 122 वैरायटी को हमने कलेक्ट किया। और फिर ये जो कृषक पंचायत के छोटे छोटे ग्रुप है तो इस ग्रुप के फार्मर को हमने ये सीड दे दिया। थोड़ा सा इस टाइप से हमने यह सीड कंजर्वेशन का काम हमने शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन किए छोटे छोटे, एक 5 गुंठे 10 गुंठे इस एरिया में, और बाद में हमने 2-3 साल यह डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद हमें पता चला कि उसमें से कुछ वैरायटी ऐसी है कि वो वैरायटी फार्मर को भी अच्छी लगती है और वो लोगों को भी अच्छी लगती है। दो तरह से, फार्मर को क्यों अच्छी लगती है तो उनका उत्पादन अच्छी तरह से आता है, लोगों को क्यों अच्छी लगती है तो उनको खाने में वो अच्छी टेस्ट देती है, इस टाइप का हमने अभ्यास शुरू किया। ऑर्गेनिक तरीके में हमने पीजीएस नाम का पद्धति का हमने जिक्र किया। पीजीएस पद्धत आपको भी पता होगा कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इस टाइप का ये ऑर्गेनिक पद्धत है। आजकल ऑर्गेनिक का जो गवर्नमेंट का जो पद्धत है वो तो बहुत महंगी है, अलग अलग कंपनियां गवर्नमेंट ने फाइनल किया है जो सर्टिफिकेशन करती है, लेकिन इसका जो चार्ज है तो स्मॉल फार्मर यह चार्ज नहीं पे कर सकते, इसलिए ये जो पीजीएस नाम का जो अभी नई पद्धत आई है तो यह बिल्कुल कम खर्ची वाली है। फार्मर का जो छोटा ग्रुप रहता है वो खुद यह पद्धत को अपनाता है, खुद उस पद्धत को कंट्रोल करता है और उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो उनकी जो कुछ ग्रेन है, उनका जो कुछ अनाज है वो एज अ ऑर्गेनिक करके मार्केट में बेचा भी जा सकता है। तो उस पद्धति का हमने प्रचार और प्रसार किया और उनको अभी थोड़ा आगे ले जाना हम चाहते हैं। गवर्नमेंट की अलग अलग जो एजेंसी है, जैसे गवर्नमेंट का आत्मा नाम का विभाग है जो विस्तार कार्य में काम करता है, उनके साथ भी हमने ये काम किया है। उसके बाद एक बायप जो इसके पहले उनका प्रेजेंटेशन हुआ, उनके साथ भी हमने सीड एक्सचेंज का काम किया है। अंतरा नाम की संस्था है, छोटे छोटे अलग भी फार्मर के ग्रुप है, उनके साथ भी हमने ये बेसिकली सीड कंजर्वेशन का काम शेयर किया है, उनके साथ एक्सचेंज किया है, और कम्युनिटी लेवल पर एक तालुका बेस एक कम्युनिटी सीड बैंक हमने बनाई है। उसके बाद यह जो प्लांट वैरायटी और फार्मर राइट एक्ट का मुद्दा आया तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यह ज़्यादा टेक्निकल काम है। 2003 में जैसे रघुनंदन ने भी जिक्र किया कि सर के साथ महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम भी गए थे, तो हमने जो बेसिकली भात में राइस में ब्लैक राइस नाम की वैरायटी हमने जतन की है, बहुत ही फंटास्टिक वैरायटी है, टेस्टी वैरायटी है, लोगों को बहुत पसंद आती है, जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छा है। हमने इस पूरा में ही वो नापारी नाम की संस्था है उससे उनका न्यूट्रिशनल एनालिसिस भी किया है, तो उस वैरायटी और बाजरा में देवठान बाजरा नाम की वैरायटी है तो उस वैरायटी का हमने न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया, और ये दो वैरायटी जो फार्मर के ग्रुप करते हैं उनको आगे ले जा रहे हैं तो उनको यह हक मिलना चाहिए, इस टाइप का हमारा मानना है। तो हमने यह उनका प्रपोजल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने भेजा था, लेकिन हमें पता चला कि यह थोड़ा सा टेक्निकल काम है, और मेत्रे सर ने भी उस टाइम हमें बोला था कि मैं अभी चौकट में काम करता हूँ यह जो, तो अभी तो मैं बहुत कुछ मदद आपको नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको इस बारे में मदद करूंगा, और एक अच्छी बात है कि वो आपके इस बड़े ग्रुप में वो आज शामिल हो गए। जरूर ऐसे जो जो लोग हैं उनको वो जो टेक्निकली जो बातें रहती है, प्रोसेस रहती है,
जिसमें यूनिवर्सिटी की हेल्प हमें लगती है वो हेल्प हमें जरूर मिलेगी। और ये जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कानून बनाया है, ये कानून का यंग फार्मर जो है जो बिल्कुल वो कॉन्जर्व करता है उनको बेनिफिट मिलेगा। बायप ने वो बहुत ही अच्छा काम तो शुरू किया है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं उनको अभी तक तो उनका यंग मिला नहीं है। नेक्स्ट, तो ये जो तीन टाइप का हमने मेथड को अपनाया, ये तो बेसिकली एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को अगर कॉन्जर्व करना है तो हमारे यहाँ इरवड नाम की एक मेथड थी जिसमें करीबन 18 टाइप्स का जो ग्रेन और लेगम्स क्रॉप है उनको कॉन्जर्व किया जाता है। तो इस इरवड ये बेसिकली रेनी रेनफेड सीजन की ये क्रॉपिंग सिस्टम है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, 200-300 मिलीमीटर तक बारिश होती है, तो उस हंगाम में यह इरवड किया जाता है। और इसमें बेसिकली फैमिली को जो जो कुछ लगता है साल भर में खाने के लिए, बाजरा लगता है, थोड़ा ज्वार लगता है, लेबुम क्रॉप लगता है, और अलग अलग टाइप के जो कुछ अनदर क्रॉप भी है वो भी इसमें किए जाते हैं, तो उस पद्धति को हमने कॉन्जर्व किया। मालियो नाम की एक अलग मेथड है, ये बहुत अच्छी मेथड थी। बेसिकली वेजिटेबल क्रॉप इसमें किए जाते हैं, करीबन 22 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स आर कॉन्जर्व इन दिस मालियो मेथड। और घर की महिला इस पद्धति को कॉन्जर्व करती है, वो घर का भी वेजिटेबल का काम हो जाता है और वो थोड़ा जो बचता है वो मार्केट में भी लेके जाती है, तो उनको जो कुछ घर चलाने के लिए पैसा लगता है तो थोड़ा सा पैसा भी वो मालियों के माध्यम से वो मिल सकता है उनको, तो इस पद्धति को भी हमने बढ़ावा दिया है। और फाइनली हमने गावराम बीज कोष जो है तालुका लेवल पर वो बीज कोष को बनाया, उसमें 117 टाइप्स ऑफ लोकल वराइटी उसमें हमने संकलित किया है। करीबन 297 फार्मर इसमें अभी सहभागी हो गए, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमने किया है, उस वैरायटी का अच्छे कैरेक्टर क्या है, उसमें लॉक उसके अलग पॉइंट भी क्या है, उसका यील्ड कितना आता है, धार्मिक महत्व उसका क्या है, हिस्टोरिकल महत्व क्या है, इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन किया है। उनका एक बुक भी हमने पब्लिश किया है जिसे हम मराठी में आमचे शेत आमचे विद्यापीठ ये नाम का ये बुक है, ये बुक हमने पब्लिश किया है। इस बुक में ये फार्मर के खुद के जो कुछ लर्निंग है, उनके जो कुछ एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस उसमें हमने पब्लिश किए। और अभी हम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जहाँ ऐसा नेटवर्क संस्थान का बना है तो उनको वो सीड हम एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट बेसिकली ये एक अनादर मुद्दा है कि लोग हमें ऐसा लगता है कि फार्मर ये करता है लेकिन उसको जब थोड़ा पैसा भी उनको मिलना चाहिए, अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो कितने दिन करेगा। सब कुछ अच्छा जो करने का है वो फार्मर ने ही करने का है, बाकी के लोगों ने सिर्फ बोलने का है, तो यह नहीं होना चाहिए। हमें लगता है जो फार्मर थोड़ा थोड़ा एक ग्राउंड लेवल पर एफर्ट ले रहा है तो उनका एंड जो कुछ प्रॉफिट है वो उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमने एक फॉरवर्ड और बैक ओवर लिंकेज करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को खड़ा किया है जिसे हम बलिराजा प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। 2009 में हमने यह बलिराजा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित किया है। अभी तो गवर्नमेंट ने भी इसका प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र किया है, अभी थोड़े छोटे छोटे गांव में यह प्रोड्यूसर कंपनी शुरू होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है, हम जो हमारा मानना है कि ये जो छोटे सीड कॉन्जर्व करने वाले जो मेम्बर है वो उस मेम्बर को हमने शेयर होल्डर बनाया है। आज करीबन 234 मेंबर ये बलिराजा प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर होल्डर बनाए हैं। और उनको जो क्रॉप लेते हैं, वो जो ऑर्गेनिक ग्रेन करते हैं, तो उनको ये बलिराजा कंपनी परचेस करते हैं, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको सपोर्ट करती है और एक अच्छा प्राइस उसको हम बलिराजा कंपनी के माध्यम से देते हैं। उनसे बहुत सारे मेंबर उनमें से डायरेक्टर है, चेयरमैन भी उनमें से है, तो इस टाइप का एक अच्छा स्ट्रक्चर हमने एक संगमनेर में खड़ा किया है। एक शॉप भी हमने शुरू किया है जिसे हम इर्जिक ऑर्गेनिक स्पॉट बोलते हैं। इर्जिक ये एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को हमने उस शॉप को नाम दिया जहाँ लोग इकट्ठा आकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, तो इस टाइप का करीबन 1000 फैमिली तक यह सीड कॉन्जर्वेशन का काम
यह प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से दो ब्लॉक में गया है, एक घावरान बीच कोर्स भी बनाया है और प्रोड्यूसर कंपनी का जो कुछ ट्रांजैक्शन है 8 लाख पर ईयर अभी हो रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। मार्केट लिंकेज हमने पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ हम जाते हैं। कुछ 3-4 जगह लोग हमारे वहाँ संस्था के लोग खड़े हो गए, उनको हम ये जो नेचुरल हमारा जो कुछ मटेरियल है, ग्रेन है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वो हम उनको बेचते हैं। नाबार्ड के माध्यम से अभी उनको सपोर्ट हम ले रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी का एक प्रपोजल उनको भी दिया है। तो इस टाइप का यह काम सीड कॉन्जर्वेशन का ओवरऑल संगम ने राकोले ब्लॉक में चल रहा है। थोड़ा सा मेरा नेक्स्ट मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब लोगों की जरूरत, कम्युनिटी की भी इनकी इसमें ज़रूरत है, संस्थाओं की जरूरत है, गवर्नमेंट का भी इनमें सपोर्ट होना चाहिए। अगर सब लोगों का सपोर्ट हो गया और एक मोमेंट के इस काम को एक मोमेंट के माध्यम से देखा जाएगा तो यह बढ़ सकता है, अदरवाइज ये बहुत धीरे धीरे अपने अपने जगह चलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, एक छोटा सा जो काम हमने हमारे एरिया में किया है ये मैंने आपके सामने रखा है, धन्यवाद। धन्यवाद।